इस साल दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ दो ही एक्टर रूल करेंगे, अजय देवगन एंड अक्षय कुमार। जहां अक्षय कुमार की 3 से 4 फिल्में इस साल रिलीज होंगी, वहीं अजय देवगन की भी दोस्तों 3 से 4 फिल्में रिलीज होने जा रही हैं। जहां सबसे पहले अजय देवगन की फिल्म रिलीज होने जा रही है शैतान, जो कि दोस्तों 8 मार्च को रिलीज होगी एंड इसके टीजर की अपडेट आ गई है। लेकिन दोस्तों शैतान के टीजर की मैं बात करूं, उससे पहले मैं यहां अजय देवगन की दिल से तारीफ करना चाहता हूं कि उन्होंने इस जॉनर को चुना है। पता नहीं क्यों दोस्तों हमारे भारत में बड़े एक्टर्स सीरियस हॉरर फिल्म्स क्यों नहीं बनाते हैं। यहाँ अक्षय कुमार ने दोस्तों लक्ष्मी बॉम्ब फिल्म बनाई थी, लेकिन वो दोस्तों एक रीमेक थी, जिसकी वजह से वो फिल्म भी फ्लॉप हुई और अक्षय कुमार का करियर भी लेट डूबी। लेकिन दोस्तों अभी अजय देवगन के लेकर के आ रहे हैं फिल्म शैतान, और ये दोस्तों एक सीरियस हॉरर फिल्म मुझे लग रही है। इसका पोस्टर मैंने देखा है, इसका पोस्टर में दोस्तों अजय देवगन आर माधवन बड़े सीरियस लग रहे हैं, तो ये ज़बरदस्त हॉरर फिल्म होने वाली है। एंड इसका टीजर दोस्तों जो रिलीज होगा वो होगा कल, यानी कि 25 मार्च को इसका टीज़र आएगा एंड उसके बाद पता चल जाएगी ये किस तरीके की फिल्म होने वाली है। देखिए हॉरर फिल्म को लेकर के हमारे देश में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, अगर इस जॉनर में दोस्तों एक अच्छी क्लीन फिल्म बना दी जाए तो डेफिनेटली दोस्तों ये बहुत पैसा छापेंगी, क्योंकि दोस्तों ऐसी जो हॉरर फिल्म होती हैं उन्हें पब्लिक अपनी फैमिली के साथ देखना पसंद करती है। अगर वो क्लीन फिल्म हो तो समझ लीजिए उसकी गारंटी हो जाती है हिट होने की, और अच्छे तरीके से उसे बना दिया जाए सीरियस तरीके से। लेकिन दोस्तों होता क्या है, हमारे यहाँ कोई बड़ा एक्टर फिल्म को करता नहीं, जिसके वजह से बी ग्रेड के एक्टर इन फिल्मों में आते हैं और फिर वही दोस्तों सेक्स और न्यूडिटी हमें देखने मिलती है, जिसको लेकर के दोस्तों फिल्में इतनी अच्छी नहीं बनती, सिर्फ उनका फोकस रहता है सेक्स के ऊपर और हॉरर के नाम पे कुछ खास हमें देखने नहीं मिलता है। लेकिन अगर कोई बड़ा एक्टर इसमें काम करेगा तो डेफिनेटली इसमें दोस्तों हमें हॉरर लेवल अच्छा देखना मिलेगा और एक सीरियस और एक क्लीन फिल्म हमें देखने मिलेगी। तो आप बताओ दोस्तों अजय देवगन की फिल्म शैतान को लेकर आप कितने एक्साइटेड हो, एंड इसका टीजर जब आएगा तो दोस्तों पता चल जाएगा कि ये किस तरीके की फिल्म होने वाली है, क्या इसमें कॉमेडी रहेगी या एक सीरियस वे में ये फिल्म आगे बढ़ेगी। आप कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताना, एंड अजय देवगन के फैन हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि दोस्तों अजय देवगन एंड अक्षय कुमार का ये साल होने वाला है।